मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं गदर 2 की एक और अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, गदर 2 की कोई भी अपडेट होगी मैं अपने चैनल में आप सबको अपडेट करूँगा। नई अपडेट ये आ रही है, 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होगी। ये एक लंबा वीकेंड होगा जिसके कारण लोगों की छुट्टियां होगी। एकर फिल्म को लॉन्ग वीकेंड में उतारने की सोच रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक सिनेमाघरों तक पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, एक और जो अपडेट आ रही है वो है फिल्म एनिमल, जो कि रणबीर कपूर की है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है एनिमल फिल्म को भी मेकर्स इसी वीकेंड में उतारे, वो भी इस लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाना चाहते हैं। तो लग रहा है कि गदर 2 की टक्कर एनिमल फिल्म से होगी। आपने देखा भी होगा एनिमल फिल्म का पोस्टर, जिसमें रणबीर कपूर एक बहुत ही भयानक लुक में दिख रहे हैं। दोस्तों, मैं और गदर 2 के बारे में बताऊं और एनिमल फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, सोर्सेस से तो यही पता चल रहा है कि ये दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होगी। वीकेंड का पूरा फायदा उठाएंगे क्योंकि ये लंबा वीकेंड होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, ये एनिमल फिल्म जो है, इस फिल्म में बॉबी देओल भी हैं। तो रणबीर कपूर के साथ बॉबी देओल भी एनिमल फिल्म में है। दूसरी तरफ गदर 2 में सनी देओल है। तो ऐसा लग रहा है कि अगस्त में सनी देओल और बॉबी देओल की आपस में टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, 22 साल बाद ये फिल्म गदर 2 रिलीज होगी। तारा सिंह और सकीना का जोड़ी को फैंस ने बहुत पसंद किया था, गाने भी हर किसी की जुबान में थे। दूसरी तरफ जैसे एनिमल का पोस्टर रिलीज किया गया है, फैंस हैरान हो गए हैं क्योंकि रणबीर कपूर की लुक काफी भयानक दिख रही है। वैसी ही लुक जैसी आपने फिल्म पद्मावती में देखी थी, उसमें भी रणबीर कपूर काफी भयानक दिखाई दे रहे थे। गदर 2 में सनी देओल के एक्शन भी सामने आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सनी देओल इसमें बहुत ही बढ़िया एक्शन में दिखाई देंगे। एक सीन तो आपने देखा होगा, अभी सोशल मीडिया में काफी घूम रहा है कि सनी देओल बैलगाड़ी का पहिया लेके मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ये एक नया एक्शन हमें फिल्म में देखने को मिल सकता है। कुल मिला के अगर हम कहें तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमें बहुत सी बड़ी फिल्में इस साल देखने को मिल सकती है जो कि कोरोना के कारण पेंडिंग थी। गदर 2 भी एक देशभक्ति वाली फिल्म है, इसलिए गदर 2 का 15 अगस्त के आसपास रिलीज होना लगभग तय ही माना जा रहा है। देखते हैं कौन कौन सी फिल्म गदर 2 को टक्कर देगी, कौन कौन सी फिल्म इसके सामने लगेगी। आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या कोई फिल्म इस फिल्म को टक्कर दे सकेगी, या आपको लगता है कि इस फिल्म को किसी और फिल्म के सामने नहीं रिलीज करना चाहिए। आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कृपया आप ये सभी सवालों का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे सजेस्ट भी करें, साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।